सीता के दोनों पुत्रों ने जब अपनी माँ की करुण कथा लोगों को सुनाई तो कहते हैं अयोध्या आंसुओं में डूब गई। धरती सह न सकी, उसकी छाती फट गई और सीता उसमें समा गई। भूमि से निकली और उसी में समा गई। मानव हृदय की शिलाओं से आंसुओं की नदी बहा गई। रामायण सीता की ही करुण कहानी है। सोचत सुता स्वरूप बनाई, जगजननी मोरे घर आई। जय जयकार देवतन कीनी, सिय चरण पुष्पांजलि दीनी। भाग सुनैना जनक के जागे, मेघवारी बरसावन लागे। इतिहास बीती हुई हिस्ट्री नहीं है, सदा वर्तमान है। सीता आज भी है। ये आश्चर्य है कि हमारा पोषण करने वाली इस मृदुल मृदा में हमें जगत जननी नहीं दिखती। जग जननी मोरे घर कृषि भूमि को संस्कृत में सीता कहते हैं। जिस दिन हमें इसमें सीता दिखेगी, हम उसमें रसायनों का जहर डालना बंद कर देंगे। सीता मानव सभ्यता का उत्तुंग शिखर है, जिसे छूना अभी बाकी है। जग जननी मोरे घर आई। वेद के ऋषियों ने ये जान लिया था कि औषधि वनस्पति और अन्न से पोषण करने वाली ये धरती एक देवी है। देवता सतर्क होकर इसकी रक्षा करते हैं। जय जयकार देवतन कीनी। धरती सत्य से धारण की जाती है। मानव के सत्य बोलने से धरती की रक्षा होती है। मानव ऐसा जीवन जिए जिससे धरती असत्य के बोझ तले नहीं दबे, यही सिखाने के लिए मानव सीता के रूप में स्वयं धरती मानव देह में उतरी। जो धरती को धारण करता है वह सत्य भी राम के रूप में मानव देह में उतरा। दोनों ने सत्य के लिए कष्ट सहे, धरती को असत्यवादियों के भार से मुक्त किया। उनके जाने के बाद भी लोग अपने जीवन में सत्य उतारने के लिए उनके चरित्र को गाते रहे।